जय जगन्नाथ। स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे वीडियो में। और भाई आज है रथ यात्रा का दिन, आज है जगन्नाथ महाप्रभु सामने से दर्शन देने आएंगे अपने भक्तों को जगन्नाथपुरी में। जो ये चैरियट फेस्टिवल है ये होने वाला है, साथ ही में अहमदाबाद और भी जगह भी होने वाला है, बट द मेन जो मेन स्थल है ठीक है वो है जगन्नाथपुरी। और ये जो आज का वीडियो है प्योरली बेस्ड ऑन द रथ यात्रा। ये निज मंदिर है, श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी का, ये महा मंदिर है। और आपको चैरियट्स भी दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गेम बनाया है। एंड मैं बताऊँगा, टू डेवलपर्स ने मिलके बनाया है ठीक है। ये सिंह द्वार जो मेन द्वार है, और जो चैरियट्स है ना ये अपने आप चलने वाले। कल के वीडियो में हमने देखा ज़रूर था कि चल रहे थे, बट दैट वॉज सम काइंड ऑफ FPS ठीक है, मल्हारी बेस्ट एंड रॉकेट। ये दो डेवलपर्स ने मिलके बनाया है एंड आई लव्ड इट कि बहुत अच्छा बनाया है भाई। और वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ठीक है, जय जगन्नाथ लिखिए। और ये VG क्राफ्ट का जो माइनक्राफ्ट में टेम्पल है वहाँ से देख के इंटीरियर इन्होंने बनाया है, सीखा है। बिकॉज इनसाइड क्लिप्स आर नॉट अवेलेबल एज यू नो गाइस ठीक है, इनसाइड की क्लिप्स कहीं पर अवेलेबल नहीं होती, खाली आपको दर्शन अवेलेबल होते हैं वो भी जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तब। और नीचे के जो ये जगन्नाथ जी की एक आइडल यहाँ पे भी रहती है, और यहाँ से ना मेन मंदिर जो वहाँ पे जाने का रास्ता है। और मंदिर में भी जाएंगे, बट उससे पहले जो मंदिर परिसर में जो थोड़े थोड़े स्थल है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो किचन है जो पॉट्स पे खाना पकाया जाता है, इसके पीछे भी स्टोरी है भाई। तो हर एक जो उड़ीसा का वासी है, जो जगन्नाथ पुरी का वासी है, उनको पता होगा। और यू नो पूरे साल वेट करते ये दिन के लिए, जगन्नाथ प्रभु के लिए, दाव जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए, कि कब बाहर आए, कब दर्शन दे, कब रथ पे विराजमान हो। तो यस इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस्टिवल। और यहाँ पे एक उपवन टाइप का एरिया, यहाँ पे अन्नदान का एरिया है, एंड यहाँ पे देखे देन ड्रिंकिंग वाटर एंड दैट ऑल एवरीथिंग यू नो। तो ये सारा चीज़ है। और ये है स्नान मंडप, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पे जब अभिषेक होता है, जब चैरियट फेस्टिवल का मेनली स्टार्टिंग होता है ठीक है, सारी पवित्र नदियों का जल लाया जाता है और अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है, वो वही स्थान है। और जैसे ही मंदिर परिसर में हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक आपको वृक्ष दिखेगा ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री भी है। और अब मैं आपको लेके चलूँगा अंदर, दर्शन करवाऊँगा और फिर एंजॉय करेंगे पूरा चैरियट फेस्टिवल जो रथ यात्रा है 2023 का वो। एंड इट्स मेड अमेजिंगली भाई, काफ़ी सुंदर बना है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना है, यू नो आई लव्ड इट सिंपली। और अंदर आते ही हमको दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रभु की लीलाएँ हैं अलग अलग रूप में, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स का भी यूज़ किया है, तो ये मुझे अच्छा लगा। साथ ही में यहाँ पे मेन तीन आइडल्स है, दाऊ जी की बीच में, सुभद्रा जी की, और जगन्नाथ महाप्रभु की। और सुदर्शन जो है, सुदर्शन जी वो भी आपको यहाँ पे दर्शन दे रहे दिख रहे। और अब बारी है रथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये चैरियट्स, पहला जो रथ है ये ग्रीन और रेड रथ, ये है दाऊ जी का ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि जो नंबर वन द बिगेस्ट इज़ दाऊ जी रथ। और यहाँ पे मैं आपको ऊपर चढ़ के दर्शन दिखाऊंगा। अब जो आइडल्स है वो निज मंदिर से आ चुकी है रथ के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी दर्शन करवाऊंगा कि प्रभु की जो प्रतिमा है वो आ चुकी है। तो ये मेन मंदिर है, यहाँ से आइडल्स आ चुकी है रथ में। और यहाँ पे देखे तो दाऊ जी इज़ हियर ठीक है। इसके जो पीछे का रथ है वो है ब्लैक एंड रेड, जो कि है सुभद्रा जी का रथ। और इसके पीछे भी स्टोरी है, यहाँ से मौसी के घर जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे ठीक है थोड़े दिन, और फिर वापस आएंगे। और अब जो रथ येलो एंड रेड, ये है जगन्नाथ महाप्रभु का रथ। और भाई रथ को जस्ट टच करने के लिए ना लाखों श्रद्धालु यू नो अपने आप को लकी मानेंगे, जिन जिन लोगों ने टच किया, जिन लोगों ने दर्शन किया। रथ यात्रा हो चुकी है स्टार्ट, लेट्स एन्जॉय। जय जगन्नाथ।
जो रथ है वो आ चुके गुंडीचा मंदिर, और यहाँ पे अब जो है ये रुकेंगे, ठीक है। एंड फिर से ये जो रथ है वो रिटर्न आएंगे निज मंदिर श्री मंदिर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये गुंडीचा मंदिर के बाहर का है। मैंने पूरा जो है रथ यात्रा में आपको व्यूज़ दिए, लोकेशंस दिए, तो देखिए यहाँ पे आजू बाजू पूरा विलेज है, जो जो शॉप्स है साथ ही में, तो यस ये तीनों जो रथ है काफ़ी बढ़िया है। एंड ये हर साल बनाए जाते हैं, नए बनाए जाते हैं, ठीक है, वही वही के वही यूज़ नहीं होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। ये है गुंडीचा मंदिर, और इसके अंदर की भी क्लिप्स अलाउड नहीं है, कहीं पे है नहीं, बट यहाँ पे जो मैंने बताया वैसे ये गेम है। सो यस लेट्स सी, अब यहाँ पे भी हमको तीनों आइडल्स है वो रथ से आ चुकी है गुंडीचा मंदिर के अंदर, और यहाँ पे प्रभु रुकेंगे, ठीक है। और ये वैसे मतलब मौसी का घर माना जाता है गेस जो गुंडीचा मंदिर, और ये टॉप व्यू है कुछ इस प्रकार से, काफ़ी बढ़िया टॉप व्यू है और फुल ऑफ ग्रीनरी है भाई। और जगन्नाथपुरी किन किन लोगों ने विज़िट किया यार, ज़रूर से बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। काफ़ी सुंदर है भाई, और इसमें ये जो ड्रेस है ना जो जगन्नाथ जी वाला, वो मुझे ना खास करके काफ़ी पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बढ़िया। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए, और ये देखो तीनों जो प्रतिमा है जो रथ से यहाँ पे आ चुकी है, दाऊ जी की, सुभद्रा जी की, एंड जगन्नाथ महाप्रभु की। यहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं तीनों के, ठीक है। और काफ़ी सुंदर है भाई बहन की जो प्रतिमा है वो, एंड आई लव्ड इट सिंपली, ये दाऊ जी है, ये बीच में जो आप देख रहे हो सुभद्रा जी, और राइट साइड है ब्लैक आइडल्स, वो है जगन्नाथ महाप्रभु की। एंड यहाँ पे भी एक किचन है जो कि इस तरफ है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है भाई, बट यस विद द फुल ऑफ हार्ट जिस डेवलपर ने बनाया है, आई जस्ट लव्ड इट, सो मैंने दिखाया है गाइस। तो अगर कुछ गलती है देन आई एम ऑल्सो सॉरी, क्योंकि भाई देखो मुझे भी उस चीज़ का तो नॉलेज है नहीं, बट वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल में से एक है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात आ रहे बाहर और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे, ठीक है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है भाई। तो ये चैरियट फेस्टिवल जो कि पूरी में मनाया जाता है, एंड कहीं साल से मनाया जाता है, तो ये गुंडीचा मंदिर था जो मौसी जी का घर है वो, और यहाँ से अब थोड़े दिनों बाद वो जो रथ है वो रिटर्न होंगे, तीनों रिटर्न होंगे निज मंदिर पे श्री मंदिर पे। और वहाँ पे भी कुछ रस्म होती है कि एक रात प्रभु को बाहर रुकना पड़ता है, क्योंकि नाराज़ हो जाते हैं जो है देवी, और फिर उनको भी मनाया जाता है प्रसाद लगा के, भोग लगा के, जो है आई गेस रसगुल्ला होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट, बट स्टिल यस। और वो जो सुवर्ण का श्रृंगार होता है ना, सोने के आभूषण का, वो भी होता है, और काफ़ी रिचुअल्स होते हैं भाई, बट आई जस्ट लव दिस गाइस। तो यस डू लाइक एंड शेयर एज वेल, और बताओ ये गुंडीचा मंदिर, ये रथ यात्रा जो श्री मंदिर है वो, सारी चीज़ें कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ज़रूर से बताओ यार। और ये पूरा विलेज आजू बाजू तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सामने जो है हम जिस मंदिर से आए थे, ठीक है, वैसे रियल में भी ऐसे ही है कि जो रथ है वो वहाँ से गुंडीचा मंदिर आता है और यही साइड पे है। तो यस, और यहाँ पे देखो पीछे इन दिस गेम हम विलेज भी देख सकते हैं, ये जो आप गुंडीचा मंदिर है उसके बाजू में जो रास्ता जा रहा है सीधा जगन्नाथ मंदिर, तो यहाँ पे ये जो ऑफ रोड टाइप का जो रोड आपको दिख रहा है ना, ये जो जा रहा है ये निज मंदिर तक जा रहा है। ऊपर देखो जो क्लाउड्स है विद द एयर विद द विंड ये फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड बहुत सारे मिस्ट्रीज है ये टेंपल की, आप बेहतर ही होगा कि आप समझे नहीं, जो है वो स्वीकार कीजिए, क्योंकि इतनी सारी मिस्ट्रीज है एंड इट्स अनसोल्व्ड, और ये अनसोल्व्ड ही रहेगी, ठीक है। तो यस गाइस ज़रूर से लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा देना यार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड जय जगन्नाथ ज़रूर से लिखिए इन द कमेंट सेक्शन, और बताओ यार कि कैसा लगा आपको ये वाला जो वीडियो है वो, ये गेम कैसा लगा। मैं इसका जो लिंक है ना वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा भाई, तो प्लीज़ डू ट्राई इट आउट, ठीक है भाई, ये गेम को वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन वॉच दिस लाइव ऑन एनी टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स एवरीवेयर, क्योंकि ये इतना फेमस है कि आपको हर जगह दिखाया जाएगा लाइव, ठीक है। इवन अहमदाबाद का रथ यात्रा होता है,
इवन और भी जगह का जो रथ यात्रा है वो, तो यस ये तो था गुंडीचा मंदिर एंड काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो यस गाइस डू लाइक, और ये रथ, ये तीनों रथ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये जो है ये मूविंग थे, ये सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना ये थी कि ये मूविंग रथ थे। तो भाई ज़रूर से लाइक कीजिए गाइस एंड लेट मी नो कि कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शंस। मिलेंगे नए वीडियो में। जय जगन्नाथ।